राधे राधे, इस नेता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, हमने हरियाली तीज के लिए एक ड्रेस बनाई थी अपने कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए। तो इसी साथ में हम पगड़ी बनाएंगे और उसको आप पटके के रूप में भी ले सकते हैं, यानी कि एक तरह का पटका है जो मैंने अभी धोती ड्रेस में बनाया था, तो वही हम बनाना सिखाएंगे और उसको कैसे हमने बांधना है जिससे वे पगड़ी की तरह दिखे। तो बहुत ही आसान, मिनटों में बनाने वाली चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे चैनल पे आपको आसान आसान चीज़ें देखने को मिलती है, तो इसी तरीके से ये पगड़ी भी है। तो आपको पगड़ी का जो नाप लेना है वो इस तरीके से लेना है। ऐसे आपको कान्हा जी के सर की गोलाई इस तरीके से ले लेनी है। देखिए, तो ये 5.5 इंच है। तो मेरे कान्हा जी जो है 6 नंबर के, उनका थोड़ा सा बड़ा है तो 6 इंच है, यानी कि जितने भी गोलाई उससे आपको डबल कपड़ा लेना है। तो ये हमने इस तरीके से, यहाँ से देखिए, ये हमने 11 इंच ले लिया, जैसे 5.5 था। और इसकी चौड़ाई जो है 2 इंच है। इसको आप थोड़ा सा चौड़ा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और इसको बुकरम लगा के बनाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये दूसरा पीस भी हमने उतना ही ले लिया है। ये देखिए, डबल करके हम इसको, ये देखिए 5 इंच, यानी कि उतना ही डबल ले लेना आपको। और ये 2.5 इंच, ये हम फ्रिल बना के तैयार करेंगे। तो इसको हम बीच में से ऐसे काट देंगे और अलग अलग 2 फ्रिल बना के हम तैयार करेंगे। तो जो ड्रेस में हमने गोटा लगाया था वही गोटा किरण हम इसमें लगाएंगे। तो ये दोनों पीसेस हैं, इनको हम इस तरीके से बारीक बारीक ऐसे करके तीन साइड से इस तरीके से सिलाई लगा कर तैयार करेंगे, और उसके बाद हम अपनी लेस लगाएंगे। ये देखिए, हमने इस तरीके से गोटा लगा लिया है और इस तरीके से देखिए फोल्ड भी किया हमने, और उसके बाद हमने अपना गोटा लगाया जो हमने ड्रेस में लगाया था। अब हम इसको बारीक बारीक इस तरीके से बिल्कुल ऐसे चुन्नटे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये फ्रिल हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, हमने दोनों फ्रिल बनाकर तैयार कर लिए। आप चाहे तो इसमें कोई स्टोन वगैरह लगा के इसको और हैवी बना सकते हैं, या इस तरीके से डबल फ्रिल भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए, अभी देखिए हमारा पगड़ी वाला कपड़ा जो हमने इस तरीके से 11 इंच लिया था और 2 इंच ऐसे लिया था, इसके बीच में हम ये 1 इंच ऐसे लाइनिंग रख देंगे जिससे थोड़ा सा ये मोटा हो जाए। ऐसे करके एक हमारा ऐसे जाएगा, ये किनारी वाला कपड़ा है, तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके और ये किनारी वाला ऊपर रख के इसकी एक लंबी पट्टी जिससे ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। अगर आपको नहीं रखना तो कोई बात नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमने ये सिलाई लगाई, ये हमारा उल्टी साइड है, ये हमारा सीधी साइड है। अब ये सिलाई जो हमारी छिप जाए, इसके ऊपर से हम ऐसे लंबा ये घोटा लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे एक इधर, यानी कि इसको हम 3 लाइनें घोटे की इस तरीके से लगाकर सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक सेंटर में लगाई और ग्रीन कलर हमारा नज़र आना चाहिए, इसलिए हमने ये पतला घोटा लगाया है। और जब पगड़ी आपकी इस तरीके से बंधेगी तो इस तरीके से लगे कि हाँ, ये पगड़ी की जो है धारियाँ आपको नज़र आए। तो ये हमने छोटा भी बना सकते हैं हम, लेकिन हमने इसी तरीके से लंबा बनाया कि आपका अगर मन पगड़ी के लिए नहीं कर रहा, आपको कोई मुकुट रेडीमेड बनाना है, तो आप इसको पटके की तरह भी यूज़ कर सकती हो। तो अब ये हम यहाँ पर इस तरीके से इसको सिलाई कर देंगे ऐसे करके, और यहाँ पर चाहे तो आप सेम घोटा लगा सकते हैं या कोई स्टोन लगा कर यहाँ पर इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से पटका बन गया है। अगर आपको कोई गोल्डन कलर का इस ड्रेस के साथ में कान्हा जी को मुकुट पहनाना है तो आप इस तरीके से इसको पटके के रूप में ले सकते हो, लेकिन मैंने इसको पगड़ी बनाना है तो पगड़ी कैसे इसको मैं कान्हा जी को पहनाऊंगी, तो मैं अपनी इसी डोल को पहनाकर दिखाती हूँ, क्योंकि ये मेरी मतलब कि हरियाली तीज पे मैंने बनाई है, तो उसी दिन ही पहनाऊंगी मैं। पर आपको बांध के दिखा देती हूँ कैसे मैंने इसको कान्हा जी के सर पर बांधना है। तो देखिए, हमारे कान्हा जी की जैसे सर पर हमने कैसे बांधना है, आपको पहले हाथ से ये देखिए ऐसे तैयार करनी पगड़ी। ये हमारी ऊपर जो फ्रिल होती है वो है, आपको ऐसे दो उंगलियों के बीच में से निकाल के ऐसे जैसे पगड़ी बांधते अपने हाथ पर, आप ऐसे पगड़ी बांध लीजिए। देखिए, हो गई ना पगड़ी तैयार। बस ऐसे आपको कान्हा जी के सर पे पगड़ी लगानी है। तो इसको हमने नीचे से ऐसे निकाल देना है। तो ये हमारा पगड़ी का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, वो आएगा और ये हमारा ऊपर चला जाएगा,
और इसको हम सेट कर देंगे। तो इसमें आपके कान्हा जी का सर छोटा हो बड़ा हो तो आप इसमें जो है सेट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको पहनाना है, थोड़ा सा लूज कर लीजिए जब पहनाना हो अगर, जितना भी आपके, ये देखिए। और गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी पगड़ी है, ये देखिए बैक में ऐसे चला गया है और फ्रिल जो है ऐसे तैयार हो गई है, ये देखिए। तो ये देखिए इस तरीके से आपको पगड़ी मतलब कि पहनानी है। और यहाँ पर आप मोरपंखी लगा सकते हैं, कोई यहाँ पर लड़ी वगैरह आप मोतियों की अलग से लगा सकते हैं। और ये जो पीछे की तरफ आया है पटके का, जैसे कि हम जो पहनाते हैं अपना जो साफा बांधते हैं साफे में बैक साइड में, इसी तरीके से आता है, इसलिए बैक साइड में आया है। और आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरीके से या ऐसे जो है सेट कर सकते हो। तो ये जब पूरी ड्रेस पे पहनेंगे कान्हा जी बहुत अच्छी लगेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, अभी मैंने येलो कलर की धोती के साथ में भी सेम पगड़ी मैंने ये बनाई है पटके वाली, और उनको कितनी सुंदर लग रही है। तो आप इसको अगर पगड़ी ही बनाना चाहते, पटका नहीं बनाना चाहते, तो इस पर कोई हैवी वर्क भी आप कर सकते हो। और ये देखिए ऊपर से भी पूरा ऐसे कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से कान्हा जी पहनेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।